नमस्कार, मैं आयुषी, प्राइड ऑफ बॉर्डरलैंड में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हिमाचल में 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी का डिनर, आज ममता ने बनाई दूरी। ईडी ने एससी से कहा कार्ति चिदंबरम को आजादी मिलेगी तो नीरव मोदी पर कैसे होगी कार्रवाई। सीलिंग के विरोध में आज व्यापारियों का दिल्ली बंद, सिविक सेंटर का घेराव भी करेंगे व्यापारी। पीयूष गोयल ने रेलवे से कहा बिजली घरों को कोयला आपूर्ति बढ़ाएं। पीआर कंपनी की मदद से दुनिया भर में होगा भारत का प्रचार। नंदकिशोर यादव ने लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को 40,000 से ज्यादा शादी का प्रस्ताव प्राप्त होने की बात को गलत करार दिया। झांसी के स्टेशन मास्टर से मांगी 5 लाख की रंगदारी, कहा पैसे नहीं दोगे तो रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लेने केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। वाराणसी पटना को जोड़ेगी नई ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना विधान परिषद में हंगामा, सभापति की आग पर फेंका गया माइक्रोफोन। हवा में इंजन फेल होने के बाद इंडिगो के 9 विमान ग्राउंडेड, 47 उड़ाने रद्द। अखिलेश यादव ने कहा नरेश अग्रवाल का बयान हर महिला का अपमान, बीजेपी करे तत्काल कार्रवाई। आईपीएस अधिकारी ने पत्र लिखकर किया कर्नाटक की राजनीति पर कटाक्ष। मैक्सिको में बड़े पैमाने पर हिंसा में 16 लोगों की मौत, पुलिस की कार में लगाई आग। जापान के वैज्ञानिकों ने खोजे 15 नए ग्रह, 3 को कहा जा रहा है सुपर अर्थ। पाकिस्तान के सीनेट के चुनाव में पीएमएलएन को झटका, उम्मीदवारों की करारी हार। विवादों में फंसे मोहम्मद शमी के लिए आई अच्छी खबर, धोनी ने दिया साथ। आईपीएल 2018 का एंथम लॉन्च, 5 अलग अलग भाषाओं में सुनाई देगा ये एंथम। गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 50 अंक ऊपर, वहीं निफ्टी 1450 के करीब। टीवी शो ससुराल सिमर का में सिद्धांत भरद्वाज का रोल निभाने वाले एक्टर मनीष रायसिंघन की शॉर्ट फिल्म नाउ यू लिसन ने ऑस्कर 2019 के लिए क्वालिफाई किया। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डरलैंड के साथ।